ईडी ने आईएनएक्स धनशोधन मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की 11 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। एनआई के मुताबिक ईडी ने कर्नाटक में 11.04 करोड़ रुपए मूल्य की 4 संपत्तियां, जिसमें 3 चल और 1 अचल संपत्ति कुर्क की है, जो कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम और अन्य से संबंधित है। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई 4 संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है। बयान में कहा गया कि कार्ती के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं और उन्हें आईएनएक्स मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 2017 में पीएमएलए के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। आईएनएक्स मीडिया को 2007-08 में एफआईपीबी की मंजूरी मिली थी, जब पी चिदंबरम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की तत्कालीन सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री थे। आरोप है कि यह मंजूरी कानूनी नहीं थी और एजेंसियों ने पी चिदंबरम पर अपने बेटे कार्ति के माध्यम से मीडिया समूह के प्रमोटर इंद्राणी और पीटर मुखर्जी से रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार और धनशोधन करने का आरोप लगाया। एफआईपीबी को मोदी सरकार ने 2017 में खत्म कर दिया था। ईडी ने कहा कि यह पाया गया कि अवैध धन मैसर्स आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई मुखौटा कंपनियों के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जो एक अन्य आरोपी कार्ति पी चिदंबरम की स्वामित्व या प्रयुक्त की जाने वाली थी और आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए आरोपी पी चिदंबरम ने आईएफपीबी की मंजूरी दी थी। इसने कहा, आरोपियों की कंपनी में अवैध धन आईएनएक्स मीडिया की संस्थाओं की ओर से परामर्श प्रदान करने के नाम पर प्राप्त की गई। एजेंसी ने आरोप लाया कि इस मामले में एक निश्चित समयावधि के दौरान शोधन की गई कुल अपराध से अर्जित आय 65.88 करोड़ रुपए है। कार्ति चिदंबरम चीनी नागरिकों को वीजा जारी कराने के मामले में भी आरोपी हैं। साल 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने में कथित तौर अनियमितता बरते जाने की बात सामने आई थी। इस मामले की भी ईडी जांच कर रही है। आरोप है कि उन्होंने वीजा दिलाने के एवज में रिश्वत ली। कार्ति चिदंबरम चीनी नागरिकों को वीजा जारी कराने के मामले में भी आरोपी है। आपको बता दें कि एक निजी कंपनी पंजाब में एक थर्मल पावर प्लांट लगा रही थी, जिसकी जिम्मेदारी चीन की एक कंपनी को मिली थी। प्रोजेक्ट में देरी होने के कारण चीनी कंपनी के लिए मनसा लाया गया, जिसके लिए नियमों में अनदेखी की गई थी और 263 प्रोजेक्ट वीजा जारी हुए थे। सीबीआई ने इस मामले में 5 लोगों पर केस दायर किया था, जिसमें कार्ति चिदंबरम, उनके सहयोगी एस भास्कर मन, विकास मखरिया, वहीं 2 अन्य के नाम शामिल थे। जानकारी के अनुसार इसमें एक गवर्नमेंट अधिकारी के अलावा एक अन्य शख्स भी शामिल था। हालांकि जांच एजेंसी ने इनके नाम नहीं शेयर किए हैं। यह मामला 2007 का है, जो आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। इसके निर्देशक इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी हैं। इस केस में 2 अन्य आरोपी भी हैं। इस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने भी इस मामले में घूस ली थी। वीडियो डेस्क amarjala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।